Dear student, today I am going to start the second paragraph of this lesson, The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. I am going to start the second paragraph in Hindi version. My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. So far as I am concerned, I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and Yamuna river in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. I have watched their varying moods as the season changed, and have often thought of the country, of the history, and myth and traditional and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing water. इसकी हिंदी मैं बता दूं आपको एक बार पुनः. करा कि माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस. करा मेरी इच्छाओं की जहाँ तक बात है तो मेरी एक इच्छा है कि मेरे अस्थियों का मुट्ठी भर राख थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, गंगा नदी में फेंक दिया जाए जो इलाहाबाद में है. हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है. सो फार एज आई एम कंसर्न, जितना कि वो मुझसे संबंधित है वो उतना मुझसे संबंध नहीं है. आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मेरे पास कोई धार्मिक भावनाएं भी नहीं हैं इन दिस मैटर, इन मामलों में. आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद इवर सिंस माई चाइल्डहुड. पर मैं अपने बचपन से ही इन गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा लगाव बचपन से ही है. एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे भी मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, मेरा लगाव, यह लगाव भी उतना ही बढ़ता गया. आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड, वेरिंग माने बदलते हुए चेंज. आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड, मैंने इनके बदलती हुए वृत्तियों को देखा. एज द सीजन चेंज, जैसे सीजन्स परिवर्तित होते हैं. एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्रायः इनके इतिहास के बारे में सोचता रहा. एंड माइथ, उनके पौराणिक कथाओं के बारे में. एंड ट्रेडिशन, इनके परंपराओं के बारे में. एंड सॉन्ग, इनके गीत, इनकी कहानियाँ, दैट हैव बीन बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेज, जो इनके साथ लंबे युगों से जुड़ी हुई हैं, अर्थात इनके साथ लंबे युगों से संबंधित हैं. एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और इन बहती हुई पानी का वह एक अंग बन चुका है. और देखिए पार्ट नंबर थ्री बता दें आपको. पार्ट नंबर थ्री, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफेट्स. पर गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा आमतौर पे भारत की नदी, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों के सबसे प्यारे, अर्थात उन भारतवासियों की सबसे प्यारी नदी, प्रिय नदी, राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जिनकी चारों तरफ उनकी जाति यादें, उनकी आशाएं, यहाँ तक कि हर होप्स एंड फियर, उनकी आशाएं, उनका भय, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प, उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, उनका विजय, एंड हर डिफीट्स, उनका पराजय. शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया लॉन्ग एज कल्चर. और इतना ही नहीं, वह साथ साथ वह यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है. फिर से आप देखेंगे, शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया लॉन्ग एज, यह लंबे युगों से दीर्घकालीन सिंबल अर्थात प्रतीक है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति का. इवर चेंजिंग, इवर फ्लोइंग,
सदैव बदलती रहती हैं, सदैव बहती रहती हैं, एंड ईट एवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी गंगा उसी रूप में अपने आप में दिखाई देती हैं। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक, यह मुझे बर्फ से ढकी हुई पिक अर्थात चोटियों की याद दिलाती हैं, डीप वैली गहरे घाटियों की याद दिलाती हैं ऑफ द हिमालय हिमालय की, विच जिससे आई हैव लव सो मच, जिससे मैंने बहुत अधिक प्यार किया प्रेम किया, एंड ऑफ द रिच एंड वॉश प्लेन बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, कर रहा है, और उसके नीचे जो समृद्ध तथा विशाल निचले मैदान हैं, वॉश प्लेन बिलो हैं, निचले जो मैदान हैं, विशाल मैदान, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और कार्य धीरे धीरे एक एक दिन मेरा जीवन और मेरे कार्य वहीं ढले हुए हैं, वहीं समाप्त हुए हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं पैराग्राफ नंबर 2 और 3 के वीडियो को अपलोड कर दिया, इसके हिंदी वर्जन को, 4 और 5 नंबर के हिंदी अनुवाद को मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।